हेलो एवरीवन, आज मैं आपको प्रोस्टेट के बारे में बताता हूँ। प्रोस्टेट एक ऐसी ग्रंथि है, भगवान ने जिसे भी मेल या आदमी बनाया है सबके पास प्रोस्टेट होता है। जब हम लोग यंग होते हैं तो उसका काम अलग है, वो हमारे सेक्सुअल फंक्शंस में हमें हेल्प करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, 50 साल में 60 साल में प्रोस्टेट की बीमारियाँ भी आने लगती हैं। कई बार लोग समझते हैं कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ने से ही परेशानी होगी, नहीं ऐसा नहीं है। कई बार प्रोस्टेट का साइज घटने से भी परेशानी हो जाती है। यूजुअली नॉर्मल आदमी में 18 से 25 ग्राम का प्रोस्टेट होता है। किसी को अगर 50 साल का आदमी है, इन्फेक्शन हो गया और प्रोस्टेट छोटा भी है तो भी परेशानी आ जाती है। कई बार प्रोस्टेट 25 ग्राम से 350 ग्राम का भी हो जाता है तो भी परेशानी नहीं देता। तो एग्जैक्ट साइज के हिसाब से डिपेंड नहीं करता है। प्रोस्टेट की परेशानी किसी को भी आ सकती है। मोस्टली अगर कोई भी आदमी 100 साल तक जीता है तो 100 में से 100 आदमियों को परेशानी आती है। परेशानी के सिम्टम्स पेशेंट को कैसे पता चलते हैं? जैसे जैसे किसी भी पेशेंट को प्रोस्टेट की परेशानी हुई तो वो बार बार फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार पेशाब जाना, नोक्टूरिया रात में पेशाब करने के लिए बार बार उठना, पेशाब में जलन होना, पेशाब रोक नहीं पाना, पेशाब करने में जोर लगाना, ये सारे प्रोस्टेट की बीमारी के सिम्टम्स हैं। प्रोस्टेट को हम डायग्नोज करते हैं, थोड़े से टेस्ट होते हैं, कुछ ब्लड के टेस्ट हैं जैसे सीरम PSA, यूरिन का टेस्ट है, यूरिन कल्चर वगैरह, एक धार की जांच होती है जैसे यूरोफ्लोमेट्री बोलते हैं हम उसे। इन चीज़ों से और अल्ट्रासाउंड से एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि भाई कितनी बीमारी है, क्या इलाज ज़रूरी है, दवाई से इलाज हो जाएगा या फिर हमें कुछ ऑपरेटिव इंटरवेंशन मतलब सर्जरी शल्य चिकित्सा करनी पड़ेगी। शल्य चिकित्सा के लिए आज के टाइम में लेज़र सर्जरी अवेलेबल है, जिसे पर्टिकुलर विधि को होलैप के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग उसे लेज़र TURP भी बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिकली उसे होलैप बोलते हैं हम लोग। उसमें लेज़र यूज़ किया जाता है और ऐसे भी पेशेंट का ऑपरेशन किया जा सकता है जो ब्लड थिनर्स पे हो। कोई भी एज उसका कोई ये नहीं है, 75 की एज तक किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन किया जा सकता है, चाहे साथ में कोई भी कोमॉर्बिडिटी हो। 2 से 3 दिन के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। 3rd दिन पेशेंट आराम से जैसी कंडीशन में चलता फिरता आया है उससे अच्छी कंडीशन में घर जाता है, और कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। मैंने आपको इस बीमारी के जो भी लक्षण बताए, इन लक्षणों में से किसी भी मरीज को कोई भी लगता है कि भाई आपको लक्षण है, तो अपने नज़दीकी किसी भी मूत्र रोग विशेषज्ञ को, एक क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट को आपको दिखा लेना चाहिए। वो आपको एग्जैक्ट बैटरी ऑफ टेस्ट प्रिस्क्राइब कर देगा और उसके बाद आपका इलाज अच्छे से हो पाएगा। सो आपको घबराना नहीं चाहिए, एक इसका बहुत आसानी से इलाज हो जाता है।